आजकल हम देखते हैं कि हर घर में कोई ना कोई बीमारी जरूर है। कोई व्यक्ति अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान है, तो कोई डायबिटीज से, कोई थायराइड से, तो कोई दिल की बीमारियों से। फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि हमारे घरों में ये जो बीमारियां हैं, दरअसल ये बीमारियां सिर्फ एक ही कैटेगरी में आती हैं। यानी कि ये जो इतनी बीमारियों के नाम हमें डॉक्टर्स गिनाते हैं, दरअसल ये बीमारियां है ही नहीं, ये सिर्फ एक बीमारी के अलग अलग सिम्टम्स हैं। तो आइए आज जानते हैं ये जो डायबिटीज, थायराइड, वजन का बढ़ना, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये अक्सर होती क्यों हैं। अगर आज की वीडियो को आपने देख लिया तो आप शरीर की इन सारी बीमारियों को एक से दो महीने में जड़ से खत्म कर देंगे। यानी कि डायबिटीज के लिए अगर आप पिछले 10 साल से दवाई खा रहे हैं तो आपकी दवाई छूट जाएगी। अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं तो थायराइड खत्म हो जाएगा। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपका वजन कम होने लगेगा। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो वो दर्द एक से दो महीने में जड़ से गायब हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मैजिक है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ आयुर्वेद के दोषों की। आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। वात, पित्त और कफ, ये जितनी भी बीमारियां हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, इन सभी का कारण हमारे पित्त दोष का इम्बैलेंस होना है। पित्त को मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको डायबिटीज हुई क्यों है। दोस्तों, पित्त को इंग्लिश में आप एसिडिटी कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये तेजाब है। आपने देखा होगा, अगर आप कुछ खाते हैं तो आपके गले में कभी कभार तीखापन लगता है, आपका खाया हुआ अच्छे से पचता नहीं है, आपको अपने छाती में या गले में दर्द महसूस होता है, तो इन सभी केसेस में आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ी हुई है। आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है तो हम इसे पित्त दोष को बढ़ना कहते हैं, यानी कि पित्त दोष का इम्बैलेंस कहते हैं। अब ये पित्त दोष होता क्यों है? पित्त दोष होता है आपके एसिडिटी वाला खाना खाने की वजह से। ऐसा खाना जिसमें एसिड्स की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि चाय पीना, मिर्च मसाले का ज्यादा सेवन करना या फिर तली हुई चीजों का ज्यादा सेवन करना। ऐसी चीजें खाना जो आपकी बॉडी में पचती ही नहीं है। ये चीजें आपकी बॉडी में सड़ती हैं, एसिड पैदा करती हैं। ये एसिड हमारे खून में मिल जाता है। अब हमारे खून में एसिडिटी बढ़ जाती है। ये एसिडिटी बढ़ने से आपका पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहने लगता है, जिस कारण से हमारे हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है। समय के चलते आपको डायबिटीज हो जाएगी, थायराइड हो जाएगा, वजन बढ़ने लगेगा, घुटनों में दर्द रहने लगेगा, बॉडी में सूजन रह सकती है, सिर दर्द हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बाल झड़ने लग सकते हैं। लेकिन आप इन सारी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अलग अलग डॉक्टर के पास जाकर अलग अलग दवाइयां लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों सोचिए, इन सभी का कारण सिर्फ एक ही है, आपके पित्त का बढ़ना। तो आप सोचेंगे, अब इस पित्त को बढ़ने से रोकें तो रोकें कैसे? दोस्तों, हमारे घर की किचन में एक ऐसी चीज अवेलेबल है जिसके जरिए आप अपने पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं और आप डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, इन सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वो चीज है अजवाइन। अजवाइन हर घर में पाई जाती है। क्या आपको ये पता है कि ये जो अजवाइन है, इसके अगर पानी का सेवन आप सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए करते हैं तो आप ये सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अजवाइन पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छी होती है। आपने देखा होगा, अक्सर ही भारतीय घरों में दोपहर के खाने के समय सब्जी में अजवाइन को जरूर डाला जाता है, क्योंकि दोपहर के समय इंसान के शरीर में पित्त ज्यादा होती है, तो ऐसे में अजवाइन का सेवन करने से पित्त शांत होती है। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन का डालकर उस पानी को रख देना है। जब आप सुबह उठें तो उस पानी को छानकर आपको सुबह खाली पेट पीना है। मात्र इतना करने से आप अपनी डायबिटीज, अर्थराइटिस और अनेकों बीमारियां खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका पित्त दोष बैलेंस होगा, आपकी बॉडी में एसिड्स की मात्रा कम होगी, आपका खून एल्कलाइन हो जाएगा, जिससे ये सारी बीमारियां अपने आप गायब हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं, अगर आप अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पीते हैं तो इससे कौन कौन सी बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है। पहले नंबर पर, जैसा हमने आपको बताया, डायबिटीज से आपको राहत मिलेगी। आजकल ये भ्रम पूरे डॉक्टर्स ने सभी इंसानों में फैला दिया है कि डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया, डायबिटीज हार्मोनल इंबैलेंस के कारण ही होती है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, और ये इंसुलिन एक हार्मोन है। ये हमारी बॉडी में शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जब हम गलत खाना खाते हैं तो इससे हमारा पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है। इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और हमें डायबिटीज हो जाती है। तो आप सोचिए, ये जो डायबिटीज है,
ये सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसे आप सिर्फ अपने पित्त को ठीक करके सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको अजवाइन के पानी का सेवन रोज सुबह खाली पेट करना होगा। ऐसा 3 महीने करने से आपकी डायबिटीज की दवाई छूट जाएगी और आपको डायबिटीज के लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हुआ ना ये मैजिक, ये दोस्तों आयुर्वेद का मैजिक है। आप इस मैजिक को जरूर अपनाएं और देखेंगे 3 महीने में आपकी 10-20 साल पुरानी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका वजन कम होगा। वजन को कम करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, कुछ लोग तो खाना पीना तक छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, अगर वजन को कम करने के लिए आप खाना पीना छोड़ रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ऐसे लोगों का सोचिए जो लोग बहुत खाते हैं फिर भी पतले हैं, और अगर वो लोग खाने के बावजूद भी पतले हैं तो आप पतले कैसे हो सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा आपका वजन बढ़ता क्यों है। अगर आपको ये पता चल गया वजन बढ़ने का कारण क्या है तो इसे आप आसानी से सही कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पित्त के बढ़ने से आपका वजन बढ़ता है। पित्त बढ़ने से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ही स्लो हो जाए तो आपका खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह पर शरीर में चर्बी के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे आपका वजन बढ़ने लगता है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है अजवाइन के पानी का सेवन करना। जब आप सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पियेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बूस्ट हो जाएगा, जिससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। आप देखेंगे अगर आप अजवाइन के पानी का सेवन लगातार 2 महीने भी कर लेंगे तो आप 15 से 20 किलो वजन बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज, बिना योगा के कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अजवाइन के पानी का सेवन करने से आप गठिया जैसी भयानक बीमारी से राहत पा सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि ये जो गठिया की बीमारी है ये होती क्यों है? जैसा मैंने आपको बताया, ये पित्त बढ़ने के कारण होती है। अब आप सोचेंगे पित्त बढ़ने से हमें गठिया यानी कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये कैसे हो सकता है? मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है तो ये एसिड्स हमारे खून में मिल जाते हैं। खून में एसिड मिलने से होता क्या है, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, ये सभी खून के कारण ही काम कर पाती हैं। जब हमारे खून में एसिड ज्यादा होता है तो ये हमारी हड्डियों में, जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है। यही एसिड जमने के बाद एक सॉलिड रूप ले लेता है, और जब हमारी हड्डियों के जोड़ों में ये ज्यादा जम जाता है तो हड्डियों में से कट कट की आवाज आती है। समय बढ़ने के साथ साथ ये हड्डियों की आवाज बढ़ती जाती है और हड्डियां घिसने लगती हैं, जिससे आपको गठिया हो जाता है। तो गठिया का मेन कारण है आपके खून में अम्लता यानी कि एसिडिटी। तो आपको एसिडिटी को शांत करने के लिए अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट जरूर पीना चाहिए। आप देखेंगे इससे आपका गठिया की प्रॉब्लम आसानी से खत्म हो सकती है। अगर आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आपको साइकिल चलाने में दिक्कत आती है, मे भी हो सकता है आप पेन किलर्स ले रहे हो, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, पेन किलर्स कभी मत लेना, क्योंकि पेन किलर्स आपके दिमाग को खराब करते हैं। हमारे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है, उसका काम है बॉडी में अगर कहीं भी कोई दर्द हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें इंडिकेट करना। लेकिन अगर आप पेन किलर्स खाते हैं तो ये सीधा आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। कभी भी पेन किलर्स ना लें। अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है तो अजवाइन का पानी पिए, देखेंगे आपका गठिया 1 से 2 महीने में जड़ से गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी बॉडी के पित्त के रोगों को सिर्फ अजवाइन के जरिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। बचे कुछ